नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। केदारनाथ के हालातों पर सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। गढ़वाल कमिश्नर को बनाया नोडल अधिकारी। उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, येलो अलर्ट जारी। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल, मची चीख पुकार। नहाते समय गंगा के तेज बहाव में बहा 11 साल का बच्चा, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मॉनसून सत्र की तारीख तय, गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का सत्र, शासन द्वारा जारी किए गए आदेश। अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग दो जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संचारकों को व्यवस्थित करने के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उत्तराखंड में शनिवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में बारिश होने की आशंका जताई है। उधर पिछले दिनों तेज बारिश के कारण कई जिलों में नुकसान हुआ है, जबकि केदारनाथ के रास्ते में फंसे लोगों को भी निकालने का काम जारी है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश शनिवार को भी जारी रहेगी। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को रोडवेज की एक बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। बस का स्टीयरिंग फेल होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि चालक ने बस को चट्टान से टकरा दिया, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस पिथौरागढ़ से बरेली जा रही थी, जिसमें 33 यात्री बैठे हुए थे। बस का स्टीयरिंग फेल होते ही बस के चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। रुड़की के बाडीटीप गांव निवासी दो बच्चे तिलकपुरी गांव के सामने गंगा में नहाते हुए तेज बहाव में बह गए। गंगा किनारे काम कर रहे ग्रामीणों ने एक बच्चे को किसी तरह बचा लिया, वहीं 11 वर्षीय एक बच्चे को पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक होगा। सत्र का आयोजन गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा। शुक्रवार शाम को शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र का समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। बागेश्वर जिले में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही। गुलदार कई क्षेत्रों में देखे जाने के बाद लोगों में भय का माहौल है। वहीं बागेश्वर के ज्वाला देवी वार्ड में एक व्यापारी के घर के बाहर गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। क्षेत्र में गुलदार की धमक से लोग खौफजदा हैं और वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। दूसरी ओर चंपावत में कुमाऊं एसटीएफ और चंपावत वन विभाग की टीम ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से गुलदार की दो खाल बरामद की गई है। एक सप्ताह के अंदर वन्य जीवों के तस्करों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसी बीच हसमोली के निकट सोलानी नदी के तटबंध में कटाव शुरू हो गया है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन को सूचना दी गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने सिंचाई विभाग की टीम के साथ समय रहते तटबंध की मरम्मत कराकर स्थिति को संभाल लिया। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर खिलाड़ी रिंकू सिंह ने शनिवार को कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करोरी महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। रिंकू सिंह कैंची धाम क्रिकेटर आर्यन जोयाल के साथ पहुंचे। आधे घंटे तक मंदिर में रहने के बाद रिंकू सिंह वापस लौट गए। तिलू रौतेली और आंगनवाड़ी पुरस्कार के लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को जिला स्तरीय आवेदन प्राप्त हो गए हैं। अब राज्य स्तरीय गठित समिति चयन करेगी। पुरस्कार के लिए चयनित पात्र महिलाओं को 8 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।